कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने इस कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। चीनी कॉल का दाजू छो चीनी कॉल दाजू राम्रो लगते ना मलाई है कि मेरा फोन का पूरा हालत बेहाल हो चुका है। एंड भाई ये डिस्प्ले देखने के लिए कितने दिन से अफसोस कर रहा था। खान बाबा तैयार हो जाओ, पंचर कर देगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका हमारे नए से व्लॉग में। आई नो काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरा फ़ोन का पूरा हालत बेहाल हो चुका है एंड अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपना कैमरा से। पता नहीं इसका ऑडियो कैसे आ रहा होगा और वीडियो मैं कैसे बनाऊंगा क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने इस कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड आज मैं जा रहा हूँ अपना फ़ोन का रिपेयरिंग करने के लिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत मार्केटिंग का निकले जो कि आज के इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है आपका 6 बज चुका है, तो 6 बजे गाड़ी आएगी। तो अभी चलते हैं मार्केट में, गाड़ी में बैठे और निकलते हैं 300 क्या के लिए। यहाँ से हम लोग ले रहे एकदम बनाना और देखो भाई बनाना का साइज भी ये वाला लेंगे क्या, 50 रुपीज़ दर्जन दे रहे हैं हम। ठीक तो ये लीजिए खाइए। थैंक यू। और दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी, ज़्यादा अंधेरा हो गया क्या? ओह हो अभी ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए एप्पल कैसे दे रहे हैं आंटी यहाँ पर? हाँ 200 रुपीज़। मस्त लगा दाजू बनाना, बहुत मीठा से भाई। मीठे छो चीनी कॉल को भैया छो क्या दाजू छो दाजू छो चीनी कॉल का दाजू छो चीनी कॉल का चीनी कॉल और चीनी कॉल दाजू राम्रो लगते ना मलाई खान बाबा का ले जाएगा टक्कर देने के लिए। खैर अपना जर्नी काफी मजेदार हो रहा है और गाना सुन सुन के जा रहा हूँ और आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा कैमरा से रिकॉर्ड कर क्योंकि इसका बैटरी का भी थोड़ा बहुत इशू है। तो जितना इंपॉर्टेंट लगे जो सही लगे वो आपको दिखाते रहूँगा और जहाँ बैटरी ख़त्म हो जाए वहाँ अपना फ़ोन से बनाऊंगा क्योंकि फ़ोन ठीक करने जा रहा हूँ और ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। एंड अभी हम लोग दीरा गेट पार करके कुछ ऐसे लोकेशन पहुँच गए, अब देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुँचेंगे 300 किया। यहाँ पर गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, अभी आपका 37 डिग्री हो रहा है और 12 बजे तक तो आपका ऑलमोस्ट 40, कल कितना डिग्री था भैया आप लोगों को कुछ पता है? कल बहुत डिग्री है, कल तो मैंने चेक किया था अपना गुना नगर में तो जो कि था 47 डिग्री। हाँ। और यहाँ पर अभी कितना को पता नहीं बट खैर देखा जाएगा। और मैं पहुँच चुका हूँ 8:30 को, तो अभी मार्केट थोड़ा सा लेट से ही खुलेगा इसलिए मैं इजिली आराम से यहाँ पर अपना चेहरा वगैरह धो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ कहीं पर और उसके बाद चलते हैं मार्केटिंग के लिए। आज का जो मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा फ़ोन को ठीक करना है, पर मैं उसको लास्ट में रखूँगा क्योंकि उससे पहले मुझे अपना शॉपिंग करना मार्केटिंग करना पड़ेगा जो कि अपने दोनों दुकान के लिए कपड़े कुछ लेने और साथ ही साथ सकीना के लिए मतलब टेलर के लिए कुछ मटेरियल वगैरह लेना है। अभी समय काफ़ी ज़्यादा है तो सबसे पहले बाहर जाके कोई ठेला वगैरह में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत और समय मिलेगा रेस्ट करूँगा कहीं पर, देन उसके बाद अपना मार्केटिंग और उसके बाद मोबाइल ठीक करने के लिए जाऊँगा। और मोबाइल ठीक करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा और मेरा मोबाइल का अभी क्या हाल है वो मैं आपको जब बनाने के लिए ले जाऊँगा तब दिखाऊँगा। फिलहाल देखो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टेशन जो कि 300 किया का बस स्टेशन है। यहाँ से आपको काफ़ी दूर दूर तक के लिए बस वगैरह मिल जाएंगे और मैं चलता हूँ इधर, यहाँ से लूँगा राइट, देन उसके बाद वहाँ से होगा अपना काम का शुरुआत। नौ बजने को है और अभी तक बहुत सारे दुकान खुले भी नहीं है और जहाँ से मुझे सामान लेना है वो दुकान भी बंद है। ये देखो भाई पूरा रोड भी खाली खाली, बट दोपहर के समय में ये सब जगह में ना भाई क्या भसर मचे होते हैं। इससे ज़्यादा तो आपका साइडिंग रोड में जहाँ पर लोग राशन वगैरह लेते हैं, पता नहीं कब तक खुलेगा और समय भी भाई कितना हो गया, खुल जा नहीं दिख रहा। तो चलो थोड़ा सा आगे घूमते हैं उसके बाद जाएंगे आगे से लेफ्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गए गाइस, अब थोड़ा यहाँ पर बैठेंगे ना भैया। बैठिए बैठिए, दुकान में कस्टमर वस्टमर नहीं है तो मैं थोड़ा सा बैठ के यहीं से फिर सामान लेके, बहुत ज़्यादा गर्म है, माथा भी खुजली होने लग गया गर्म से।
गरम बा हो। कितना मस्त है आप लोग के लिए तो। दुकान में बैठा है कस्टमर है तो काम कीजिए, नहीं है तो आराम कीजिए। सही में बहुत कष्ट भी है तो। अरे इतना आसान से थोड़े ना मिल जाएगा। केमन आसो दादा? भालो। केमन आसो? नहीं ज्यादा बोलता है, देखने से पता चलता है। एक काम तो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि कपड़ा लेने वाला था, कपड़ा वगैरह ले लिया। अब बारी है मुझे जाके कुछ मटेरियल लेने का। मटेरियल लेने के बाद मुझे लेना है नहीं, अपना काम करवाना है फ़ोन का। अपना फ़ोन का रिपेयरिंग करना है तो अभी मैं सबसे लास्ट वाले शॉप पर जाऊँगा, वहाँ पर सारा फ़ोन का रिपेयरिंग वगैरह होता है। और पर वैसे देखा जाए ना, पहले के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुकान हुआ करते थे एंड सारे ओपन होते थे, बट अभी थोड़ा हाँ यहाँ सब कुछ मिलता है। ठीक है, मिलता है, पता है फिर आगे तक। हाँ हाँ बोलिए। कहाँ से आप? यहीं से, हम चौकाम से। चौकाम से जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाफ पहना हुआ है जो आप। गरम ज़्यादा है तो क्या करें, बोल लीजिए। ठीक ठीक है, बैठिए, हम आगे तक आएंगे। मिक्की मिक्की, तो ये देखो मेरा फ़ोन का हाल क्या रखा है। पहले तो कुछ चला भी पाता था, बट अभी सीन ऐसा हो चुका है, अचानक से ना पूरा एकदम वाइट वाइट हो चुका है। एंड एक्चुअली में ये डिस्प्ले पर इतना फास्ट में ये अप एंड डाउन हो रहा है ना, जिसकी वजह से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब इसी का रिपेयरिंग करवाना है, डिस्प्ले पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन भी आता तो शायद जल्दी भी हो जाता, बट होपफुली कि जल्दी हो जाता अच्छा है। मैम मेरा भी करवाना है। रफीक ये लो सर, इसमें दो पल्ली का डिस्प्ले मिलेगा, एक 2000 एक 2500। 2500 वाला आपका ओरिजिनल। 2500 रिप्ले अभी कुछ दिन बाद नया 2000 वाला लगा दीजिएगा। कितने समय तक हो जाएगा? काम कीजिएगा आप, 2000 वाला लगा रहे हैं आप, हमको 1800 दीजिएगा। ठीक, कितना समय तक हो जाएगा? आधा घंटे में। मिकी भैया कब तक आएंगे? मिकी भैया कब? थोड़ा सा टाइम है। फोन नंबर सर? हाँ 700। मिकी भैया कैसे? बढ़िया, बस काफ़ी देर आपका इंतज़ार किया। आगे आपके पास फिर से वापस फोन दिया था बनाने के लिए, पूरा डिस्प्ले खत्म। कौन सा मॉडल? सैमसंग। ओ हाँ, ये रियलमी 7 था, दिया था बनाने के लिए। रियलमी 7 जी जी। हेलो, नंबर क्या था? 7 डबल, ये 5577। रियलमी 7 दिया हुआ। हाँ ओके, कर दे रहे 15 मिनट। ठीक है, ठीक भैया, क्या आईफोन बना रहे क्या? आईफोन और सैमसंग। वाह, 14 प्रो खत्म हो गया। अच्छा बन चुका है, हम तो सोचा और रुकना पड़ेगा। इतने जल्दी बन गया, मुझे लगा था और कम से कम वेट करना पड़ेगा, बट इतना फास्ट होगा आई डोंट लगा नहीं था। बट अभी देखो भाई, ये डिस्प्ले देखने के लिए कितने दिन से अफसोस कर रहा था। 14 नंबर हो गया। मेरे अम्मी और मैं कितना अच्छा लग रहा अभी देखकर। कम से कम से तो 1 घंटा लगे, पर 20 मिनट लगा शायद, आई थिंक सो। तो 20 मिनट जल्दी देने के लिए ज़्यादा क्या करें। चलो इतने भीड़ में देखिए ना, कितना आम जब आया था उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ था, बट इतना जल्दी जल्दी हो रहा तो वो अच्छा लगा। और काम करने वाला भी देखो कितने सारे स्टाफ रखे हुए। चले मिकी भाई, थैंक यू सो मच, चलते हैं, मिलेंगे फिर। चलो भाई, अपना ये बन चुका है, अभी इसको लेके चलते हैं डिस्प्ले लगवाने के लिए। डिस्प्ले लगाने के बाद अपना काम पूरा कंप्लीट। फ़ोन को सही कराने के बाद मैं चला गया था वहाँ पर टेम्पर ग्लास लगाने के लिए, एंड वहाँ पर लड़के लोगों के साथ थोड़े से हंसी मजाक किया। मजाक करने के बाद मैं पूछा कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मशीन वाला रहेगा या टेम्पर ग्लास? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मशीन वाला, तो मैंने मशीन वाला तुरंत लगवा लिया। एंड जैसे लगा के उसके बाद उसका फाइनल लुक देखा ना गाइस, तो मैं तो बोला भाई ये तो मेरे से भी ज़्यादा हैंडसम है। तो सभी लोग ये बात सुन के हंसने लग गए थे। नेकलेस जितने भी सामान मैंने परचेसिंग किया था, मार्केटिंग किया था, वो सब उठा के अभी गाड़ी पर लेके जाना पड़ेगा। इतने देर में मैंने बस इतने का कुछ मार्केटिंग किया हूँ, और अभी मैंने एक रिक्शा बुक किया था, बट अंकल को बोला आप लेके जाते रहो, मैं उनको मैं बैठना नहीं चाहता क्योंकि वैसे इतना मेहनत करते हैं। तो उनको बोला कि आप जाते रहो, लोकेशन मैंने बता दिया। और ज़्यादा दूर नहीं, बस वो जो पैंडल देख रहे हो ना, वहाँ से मुझे राइट लेना एक मंदिर पड़ता है, जैन मंदिर, बस उतना ही दूर जाना है।
बहुत देर आपने DSLR से वीडियो बनाया पर अब बोरिंग लगे DSLR से क्योंकि उसमें बहुत मुसीबत पड़ता है। एंड अभी मैं अपने फ़ोन पे आ चुका हूँ, पता नहीं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा होगा, कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं, खैर वो तो आप लोग बताएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर जूस पी लेते हैं बप्पन की तरफ से, एकदम ठंडा ठंडा गन्ने के जूस इसको पी लेता हूँ। कैमरा है वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज का जो व्लॉग है मैं अपने कैमरा से शूट करूंगा क्योंकि अपना जो ये वाला फ़ोन था वो ख़राब हो चुका था, उसको रिपेयरिंग करने के लिए लेके जाना था। एंड मैंने उससे रिकॉर्ड भी किया कैमरा से, बट अभी कहीं कहीं मैं चेक कर रहा हूँ ना लैपटॉप में लगा कर, तो देख रहा हूँ कि कहीं कहीं फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट वीडियो अच्छा बना है बट फोकस थोड़ा सा ख़राब है, तो ये आज के लिए एडजस्ट कर लेना, कल से अपना यही फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे। अदरवाइज मैंने इसमें चेक किया एक चीज़ भाई, ऑडियो क्वालिटी भी कितना मस्त है DSLR से जब रिकॉर्ड किया, माइक वगैरह लगाकर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी आएगा, बट आई लव इट। तो अभी इसको जितने हैं सारे को ले लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ क्योंकि फिर अपने पास तो लैपटॉप है, दोस्त के लैपटॉप से हेल्प लेना पड़ रहा है। तो अभी घर पर पहुँच चुका हूँ एंड आज बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो इसलिए अब ज़्यादा देर और व्लॉगिंग भी नहीं करना, मुझे एडिट करके कल अपलोड भी करना है, तो इसलिए आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताएगा एंड बताना कि हमारा आज का कैमरा वाला व्लॉग भी कैसा लगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा फोकस का मुझे इधर उधर डिस्टर्बेंस लग रहा था और आप लोग भी देखा होगा तभी तक तो पता चली होगा, बट स्टिल मैंने ट्राई किया एंड नेक्स्ट टाइम अगर कभी करता हूँ कैमरा से व्लॉगिंग तो उससे अच्छे से बनाने का कोशिश करूँगा। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।